कुछ टाइम पहले हमारे जमाने में नॉइज कलर फिट अल्ट्रा 2 एक तगड़ी स्मार्ट वॉच मानी जाती थी, जिसके अंदर आपको बहुत तगड़ी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती थी, और जो प्राइस था मतलब 4,500 रुपये और 5,500 के अंदर फ्लक्चुएट वगैरह होता रहता था, तभी मैंने ये स्मार्ट वॉच परचेज करी थी। बट उसके बाद तो ऐसा टाइम आया कि सारे ब्रांड्स ब्लूटूथ कॉलिंग और एमोलेड जो दोनों फीचर्स हैं दोनों साथ में देने लग गए। इसी वजह से नॉइज कलर फिट अल्ट्रा 2 का तो आज नामो निशान भी नहीं है, जो मैं आपको आज लिस्ट बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्मार्ट वॉच बताने वाला हूँ जो बहुत ही तगड़े फीचर्स के साथ आती है और जो आती है 5,000 रुपए के अंडर। ये वाली एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर सारी जो स्मार्ट वॉचेज मैं बताऊंगा उसके अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर से फीचर देखने को मिलते हैं। बस एक छोटे छोटे पॉइंट्स को, छोटे छोटे फीचर्स को लेकर मैंने रैंकिंग करी है। आप लोगों के हिसाब से क्या चीज़ ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं, उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग चेंज भी हो सकती है। अगर कोई और रैंकिंग आते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आपको लगता है कि कोई स्मार्ट वॉच मैंने मिस करी है जो 5,000 के अंडर एक तगड़ी स्मार्ट वॉच आती है, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि जो बाकी लोग ये वाली वीडियो देखें उनकी भी हेल्प हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना, बिकॉज यार आजकल स्मार्ट वॉच का ट्रेंड है तो सभी स्मार्ट वॉच परचेज करना चाहते हैं। क्या पता आपके कॉन्टैक्ट में कोई 5,000 के अंडर स्मार्ट वॉच परचेज करना चाहता है, तो उसको ये वाली वीडियो जरूर शेयर कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, और सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी जो फैमिली है उसके अंदर जरूर शामिल हो जाना। तो अब चलते हैं अपनी लिस्ट पर। अपनी आज की लिस्ट में जो 5th नंबर पे स्मार्ट वॉच आती है वो आती है क्रॉसबीट की तरफ से स्पेक्ट्रा प्रीमियम और स्पेक्ट्रा प्लस। ये दो स्मार्ट वॉचेज ऑलमोस्ट सेम फीचर के साथ आती है, सिर्फ एक फीचर का इन दोनों में डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दोनों ही स्मार्ट वॉचेज में आपको 1.78 इंचेस की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो आती है 650 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। दोनों स्मार्ट वॉचेज में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग प्लस AI वॉइस सिस्टम का फीचर देखने को मिलता है, बट जो स्पेक्ट्रा प्लस है उसके अंदर आपको TWS पेयरिंग का ऑप्शन प्लस इनबिल्ट स्टोरेज भी देखने को मिलती है, जो चीज आपको प्रीमियम में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा दोनों स्मार्ट वॉचेज में आपको IP68 की वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग देखने को मिलती है, 28 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, और दोनों की ही बैटरी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने को मिलती है, जो चल जाएगी 7 से 8 दिन की अगर आप कॉलिंग का जो फीचर है वो यूज करते हो। TWS पेयरिंग और इनबिल्ट स्टोरेज ना होने की वजह से जो स्पेक्ट्रा प्रीमियम है वो आपको 5,000 रुपए की देखने को मिलती है। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रा प्लस है जिसके अंदर ये दो फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं वो आपको 6,000 रुपए की देखने को मिलती है। बाकी सेल वगैरह में इनके 500-1,000 रुपए प्राइस कम हो जाते हैं, बट इनका जो प्राइस है उसकी वजह से इनके जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, ये आजकल काफ़ी सारे जो स्मार्ट वॉच होती हैं वो काफ़ी अच्छे प्राइस पे लेकर आ रही हैं ये सारे फीचर्स, इसी वजह से मैंने इसको 5वें नंबर पे रखा है। 4th नंबर पे आती है फायरबोल्ट हल्क, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। इसमें भी आपको 1.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, 550 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, इसके साथ आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड इसमें आपको 120 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, AI वॉइस असिस्टेंट का फीचर, इसके अलावा IP67 की वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग। बट ये जो फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉचेज होती है ना उसके अंदर एक फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, जो कि है कैलकुलेटर का फीचर, जो कि काफी यूजफुल होता है और काफी ज्यादा डिमांडिंग भी होता है। फायरबोल्ट हल्क की जो बैटरी है वो आपकी 3 से 4 दिन तक आराम से चली जाएगी अगर आप कॉलिंग का जो फीचर है वो यूज करते हो। इसके अगर करंट प्राइस की बात करें तो इस टाइम पे ये जो इसका प्राइस है वो आपको 3,500 रुपए देखने को मिल जाएगा, यानी कि 3,500, बट मेरे को पता है कि ये अभी लॉन्च प्राइस है, तो इसके थोड़े दिनों बाद इसका भी प्राइस आपको 4 से 4,500 आराम से देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स के साथ इसका जो प्राइस है उसकी वजह से ये आती है 4th नंबर पे। दोस्तों 4th नंबर पे मैंने एक और स्मार्ट वॉच रखी है जो आती है पेबल की तरफ से, कॉस्मोस ल्यूक्स। ये उन लोगों के लिए जिनको राउंड डायल वाली स्मार्ट वॉच पसंद है, और इसमें काफी तगड़े फीचर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको 1.36 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके अलावा इसमें आपको मल्टी फंक्शनल क्राउन देखने को मिलता है जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके अलावा इसमें वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग काफी तगड़ी है, बिकॉज इसमें आपको 5 ATM की वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि कोई भी आपको स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलेगी जो इस लिस्ट में मैंने ऐड करी है। इसके अलावा इसमें आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, AI वॉइस असिस्टेंट का फीचर देखने को मिलता है, और इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपकी जो बैटरी है वो 2 से 3 दिन तक चल जाएगी अगर आप कॉलिंग का जो फीचर है वो यूज करते हो। इसके करंट प्राइस की बात करें तो इस टाइम पे इसका प्राइस है 4,500 रुपए, बट आपको सेल या ऑफर वगैरह में और कम देखने को मिल जाता है। तो ये जिस प्राइस पे आती है थोड़ी सी पुरानी स्मार्ट वॉच जरूर है,
बट अभी भी जिस प्राइस पे आती है उसके हिसाब से काफी बढ़िया फीचर देखने को मिलते हैं, इसलिए ये आती है फोर्थ नंबर पे। गाइज इस टाइप की वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम करते रहते हैं। और आपको कोई भी टाइप की वीडियो चाहिए, चाहे TWS ईयरफोन्स की चाहिए, स्मार्ट वॉच की चाहिए, स्मार्टफोन्स की चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा कोई भी आप स्मार्ट वॉच परचेज करना चाहते हो तो सबके ही बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं टॉप 3 स्मार्ट वॉचेस पे। जो थर्ड नंबर पे स्मार्ट वॉच आती है वो फिर से आती है एक राउंड डायल वाली स्मार्ट वॉच जिसका नाम है फायरबोल्ट थंडर। इसमें आपको 1.32 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर। ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको TWS कनेक्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि काफी बढ़िया चीज है। 30+ स्पोर्ट्स मोड, इसके अलावा वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग आपको IP68 की देखने को मिलती है। इनबिल्ट गेम्स के साथ साथ AI वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर देखने को मिलता है। और इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो 3 से 4 दिन या फिर 4 से 5 दिन आपकी जो बैटरी है वो आराम से निकल जाएगी अगर आप इसमें कॉलिंग का फीचर यूज करते हो। फायरबोल्ट थंडर को थर्ड नंबर पे रखने का मेरा एक रीजन है इसका जो प्राइस है। इसका करंट प्राइस आपको 3,500 रुपए देखने को मिलता है और इस प्राइस के हिसाब से आपको काफी तगड़े फीचर देखने को मिलते हैं और लुक्स वगैरह भी काफी अच्छी है, तो इसी वजह से ये आती है थर्ड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे आती है नॉइज कलरफिट अल्ट्रा 2 का बड़ा भाई, नॉइज कलरफिट अल्ट्रा 2 बस, जिसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का भी फीचर देखने को मिलता है। इस स्मार्ट वॉच में आपको 1.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर। और इसके साथ इसमें आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, 100+ स्पोर्ट्स मोड, AI वॉइस असिस्टेंट का फीचर। इसके अलावा क्विक रिप्लाई और स्टॉक मार्केट के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि आपको कोई और स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलते, सिर्फ नॉइज की कुछ गिनी चुनी स्मार्ट वॉच में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको IP68 की वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग देखने को मिलती है और इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 से 3 दिन आराम से निकल जाएगी अगर आप इसमें कॉलिंग का फीचर यूज करते हो तो। और इसके अलावा इसके जो करंट प्राइस है उसकी बात करें तो इस टाइम पे इसका जो प्राइस है वो है 4,000 रुपये, तो इसके हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर मिलते हैं और लुक्स वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है और नॉइज की ब्रांडिंग तो काफ़ी बढ़िया है ही, तो इसी वजह से ये आती है सेकेंड नंबर पे। आई थिंक आप लोगों ने जो फर्स्ट नंबर की स्मार्ट वॉच है वो गेस कर ही ली होगी। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आती है फायरबोल्ट की तरफ से विजनरी। इस स्मार्ट वॉच में आपको 1.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर। एंड लुक्स एंड डिजाइन के मामले में ये एप्पल वॉच की तरह देखने को मिलती है और इसमें आपको एक वर्किंग क्राउन भी देखने को मिलता है जो कि मेरा फेवरेट है। ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर तो ऑब्वियसली आपको इसमें देखने को मिलता ही है। इसके अलावा 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलती है, TWS कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको इनबिल्ट स्टोरेज भी देखने को मिलती है, मतलब 120 MB की स्टोरेज देखने को मिलती है, तो कुछ आप गाने वगैरह उसमें स्टोर कर सकते हो और उसी से डायरेक्टली सुन सकते हो। देन IP68 की वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग, AI वॉइस असिस्टेंट का फीचर। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स की एक डिमांड रहती है कैलकुलेटर की, तो वो ऑप्शन भी आपको इसमें जो फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉचेज होती है वो मोस्टली में आपको देखने को मिलता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा अगर आप इसमें कॉलिंग का जो फीचर है वो यूज करते हो। इसके करंट प्राइस की बात करें तो इस टाइम पे इसका जो प्राइस है वो मिल जाएगा आपको 5,000 रुपये, बट अगर आप ऑफर्स या फिर सेल वगैरह में परचेज करते हो तो आपको आराम से 4,000 के अंडर देखने को मिल जाएगा। तो ये प्राइस के हिसाब से इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलता है जो आपको एक स्मार्ट वॉच में चाहिए, तो ये ऑलराउंड स्मार्ट वॉच बन जाती है, इसी वजह से ये आती है फर्स्ट नंबर पे। दोस्तों एक स्मार्ट वॉच ऐसी है जो अभी जल्द ही लॉन्च होने वाली है, उस पर नजर जरूर बना के रखना। इसका नाम है Realme Watch 3 Pro। Realme Watch 2 Pro काफी ज्यादा फेमस हुई थी और इसमें Realme Watch 3 Pro में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर देखने को मिलने वाला है और हो सकता है कि इसमें आपको बिल्ट इन GPS भी देखने को मिल जाए। तो ये 3 चीज़ें अभी तक इसमें पता लग रही है, बाकी जब ये लॉन्च होगी इसके जो प्राइस होगा, इसमें फीचर्स होंगे, वो सब कुछ होगी तो फिर बात करेंगे, बट इस पे नजर जरूर बना कर रखना। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टॉप 5 स्मार्ट वॉचेस अंडर 5,000 जो आप परचेज कर सकते हो, जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इन सब स्मार्ट वॉचेस का जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई स्मार्ट वॉच मैंने मिस करी है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी, उसका नाम नीचे बता सकते हो। इसके अलावा आपके हिसाब से कोई और रैंकिंग बनती है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि जो बाकी लोग इसमें जो वीडियो देखें और नीचे कमेंट्स पढ़े तो उनकी भी मदद होती रहे और मेरे को भी आगे के लिए पता लगता रहे कि भाई कौन सी स्मार्ट वॉच मैंने मिस करी है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज एफर्टलेसली।